स्वागत है आप सभी का रिमीज गार्डन में। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। और अब जो है हमारे देश और पूरे विश्व की कंडीशन अच्छी हो गई है, कोरोना थोड़ा सा उतार पर है, तो सबको बधाइयाँ दोस्तों। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ इस कैना लिली की खूबसूरत प्लांट के बारे में, इस खूबसूरत फूल के बारे में। दोस्तों, ये एक बहुत आसानी से लगने वाला पौधा है और गर्मियों में बहुत ही खूबसूरत लगता है। और आप देखिए, इसमें बहुत सारे कलर्स में ये हमको मिल जाता है, येलो, वाइट, ऑरेंज, पिंक, रेड, और शेड में भी ये मिलता है। बहुत सारे इसकी वैरायटी होती हैं और इसके पत्ते भी बहुत खूबसूरत होते हैं। और जब ये इसमें फ्लावर नहीं होते तो ये बहुत अच्छी ग्रीनरी हमारे गार्डन को प्रोवाइड कराते हैं। तो आजकल ये फूल खिले हुए हैं तो सोचा कि आपको भी बता दूं। और दोस्तों, ये बहुत आसानी से मिलने वाला पौधा है। देखा होगा हम लोगों ने कि पार्क में और ये जगह जगह हमको बहुत ईजीली मिल जाता है ये पौधा। तो इसके लिए जो है हम कहीं से भी अगर एक पौधा अरेंज कर दें या नर्सरी से हम इसका बल्ब ले आएँ, बल्ब ही बोलते हैं दोस्तों, वो वैसे वो एक अंडरग्राउंड स्टेम होता है लेकिन उसको हम बल्ब कहते हैं, तो वो बल्ब बोल के आप नर्सरी वाले दे देते हैं। तो आप ऐसे बल्ब ले सकते हैं और उसके बाद जब आप एक बल्ब लगा देंगे तो फिर उसके बाद, जैसे कि मैंने एक ये छोटा सा पौधा लगाया था, तो इसके बहुत सारे इस तरह से पॉप्स निकल आते हैं, है ना। और ये पॉप्स निकलते रहते हैं और न्यू पौधे अपने आप ही पूरा गमला भर जाता है। तो मैंने लास्ट ईयर ही ये एक पौधा लेके आई थी मैं, तो ये अपने आप ही ये इस तरह से ग्रो हो गया है ना। और एक ही दूसरा प्लांट भी है, इसमें येलो कलर खिलता है लेकिन वो दोस्तों अभी नहीं है इसमें खिलावा। तो मैं आपको बताती हूँ कि इसको कैसे केयर करनी है। इसकी केयर के लिए सबसे पहले तो इसको सॉयल वेल ड्रेन चाहिए, पानी इसमें खड़ा नहीं होना चाहिए, लेकिन इसको जो है मिट्टी जो है बहुत मॉइस्ट चाहिए, ऐसे मॉइस्ट सी मिट्टी चाहिए, ऐसे गीली गीली मिट्टी होती है ना, इसको बहुत पसंद है। अगर गर्मियों में धूप आपके यहाँ बहुत ज़्यादा पड़ती है, बहुत हार्श होती है, तो आप इसकी मल्चिंग भी कर सकते हैं ताकि इसको जो है इसकी मिट्टी मॉइस्ट रखे। और जहाँ तक हो सके हम इसे ग्रुप में रखें, पौधों का ग्रुप बना के, जैसे 3-4 कैना लिली के पौधे या फिर दूसरे पौधे हम इसको ग्रुपिंग में रखेंगे, तो ये जो है ह्यूमिडिटी से बहुत पसंद है, तो इसको ह्यूमिड कंडीशन बहुत पसंद है और धूप इसे अच्छी चाहिए, अच्छी इन द सेंस कि वैसे तो ये मॉडरेट सन में भी चल जाता है लेकिन अगर हम इसे धूप में रखेंगे, फुल सनलाइट देंगे, तो इसमें जो है कलर्स बहुत ब्राइट आते हैं फ्लावर के और बहुत ही इसकी पत्तियों की भी खूबसूरती अच्छी होती है। अभी ये देखिए दोस्तों, अभी पिछले दिनों यहाँ ओले पड़े हैं तो ओले पड़ने की वजह से सारी पत्तियों की हालत कैसी हो गई है, ये देखिए। उत्तराखंड में अभी पिछले टाइम पर कुछ टाइम पहले ओले पड़े थे तो सभी पत्ते इसके ऐसे हो गए। तो फिर मैंने आपको उसकी वाटर की बात बता दी। और ये बहुत आसानी से लग सकता है, आजकल समर में आप बहुत आसानी से इसको अपने गार्डन में ग्रो कर सकते हैं। अगर इसका एक छोटा सा पौधा भी आप ले आएंगे तो ये बहुत इजीली मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके ऐसे अलग अलग पॉप्स इस तरह से निकल आएंगे और आप जो है एक पौधे से अनेक पौधे भी बना सकते हैं। अब दोस्तों, जब इसमें ये फ्लावर खिलता है तो ये एक ऐसे इसमें एक स्टॉक आता है, ये होता है ना, जैसे ये पूरी एक डंडी होती है और ये डंडी इसमें से ये एक स्टॉक निकल करके आता है। तो ये स्टॉक जो है बहुत सारे इसमें ऐसे फ्लावरिंग होती ही रहती है, जैसे कि ये देखिए अभी इसमें कुछ कलियां बनी हुई हैं, खिलती ही रहती हैं, लेकिन जो भी इसमें से कलियां खिलती रहती हैं और सूखते रहते हैं फूल, तो हमें जो है धीरे धीरे उन स्पेंट जो ये जैसे ये सूखे हुए फूल होते हैं ना, इनको आराम से इनको अलग कर देना है प्लांट से, ताकि फिर जो है इनकी एनर्जी ख़राब ना हो और ये नए नए प्लांट्स इसमें, नए नए फ्लावर्स इसमें निकलते रहें। तो दोस्तों, जब ये फ्लावर पूरे खिल जाते हैं और पूरी तरह से स्टेम में ऊपर सूखे सूखे पेटल्स हो जाती हैं, तो हमें इनको जो है पूरी नीचे से ही कट कर लेना है। जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ कि ये देखिए, ये मेरा येलो वाला प्लांट था, तो येलो वाले में तो फ्लावरिंग हो चुकी थी जिसकी मैं वीडियो बना नहीं पाई। तो ये देखिए, स्टेम मैंने नीचे से ही कट कर दिया है। जब फ्लावरिंग पूरी हो गई तो स्टेम क्या हो जाएगा, कट कर जाएगा, जिससे कि प्लांट की एनर्जी बचेगी और इसमें फिर नई नई
शूट्स इस तरह से निकल के आएंगी। तो ये था दोस्तों कैना लिली पे छोटा सा वीडियो, ज़रूर लगाएं और अपने घर में गर्मियों में हम बहुत अच्छी फ्लावरिंग इससे ले सकते हैं। ठंडी ठंडी हवा चल रही है। बस आज का वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।